अस्सलामु अलैकुम सेवन्थ क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन नंबर टू, रिलेटिव प्रोनाउन फ्रॉम अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट. लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रोनाउन क्या होते हैं. प्रोनाउन, प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउंस. प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो हम नाउंस की जगह यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, दीज आर प्रोनाउंस. जब हम किसी नाम की जगह या किसी भी पर्सन की जगह, किसी चीज़ की जगह जो हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, दीज आर कॉल्ड प्रोनाउंस. Now let's start. What is relative pronoun? Its definition is, a relative pronoun relates the subordinate clause to the noun to which it refers in the main clause. अब यहाँ से जो जो येलो कलर में हाईलाइट हुई हुई है, आपने बेटे उतनी ही डेफिनेशन को हाईलाइट करना है. अ रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स द सबऑर्डिनेट क्लॉज टू द नाउन टू विच इट रेफर्स इन द मेन क्लॉज. अब रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ जोड़ते हैं, उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. अब इसको आगे समझने से पहले फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ क्लॉज, कि क्लॉज क्या होता है. नाउ व्हाट इज़ क्लॉज. अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ सेंटेंस विथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. एक वर्ड्स का ग्रुप है या एक सेंटेंस ले लें जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है. इट्स लाइक अ सेंटेंस, दैट इज़ कॉल्ड अ क्लॉज. फॉर एग्जांपल, ही राइट्स अ लेटर, ही इज़ सब्जेक्ट, राइट्स इज वर्ब. सो दिस इज़ क्लॉज, ही राइट्स अ लेटर. अब यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, तो ये क्लॉज बन गया है. अब इस डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि जब मेन क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लॉज के साथ जोड़ा जाता है, ज्वाइन किया जाता है, तो इन दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस. लेट्स स्टार्ट. मेन क्लॉज, मेन क्लॉज इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे मेन क्लॉज कहते हैं. उसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है. और उसका जो सेकंड पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल, वी सा अ फिल्म, वी सा अ फिल्म, दैट इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, विच वाज वेरी अम्यूजिंग, जो बहुत ज़्यादा मज़े की थी एंड इंटरेस्टिंग थी. वाज वेरी अम्यूजिंग, इट्स इनकम्प्लीट. अगर हम इसे अलग से देखें तो ये हमें कम्प्लीट सेंस नहीं दे रहा. वॉज वेरी अम्यूजिंग, दैट इज़ कॉल्ड सब ऑर्डिनेट क्लॉज. सब ऑर्डिनेट क्लॉज इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस का जो दूसरा हिस्सा होता है, जो इनकम्प्लीट सेंस दे रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड सब ऑर्डिनेट क्लॉज. और जो फर्स्ट पार्ट होता है सेंटेंस का, उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, वो कम्प्लीट सेंस देता है. दैट इज़ वाई दैट इज़ कॉल्ड मेन क्लॉज. इसलिए उसे मेन क्लॉज कहते हैं, क्योंकि वो हमें कम्प्लीट सेंस देता है, हमें पूरी बात समझा रहा होता है. और जो सेकेंड पार्ट है उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए कहते हैं, वो हमें कम्प्लीट सेंस नहीं देता. अगर हम उसे सिर्फ अलग से पढ़ें, उस सेंटेंस से सेपरेट होकर पढ़ें, तो हमें अलग कम्प्लीट सेंस नहीं देता. जब हम रिलेटिव प्रोनाउन साथ ज्वाइन करते हैं, फिर ये पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट होता है. गर्ल्स, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइजेस, हम अपनी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने से पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट आर रिलेटिव प्रोनाउंस, के जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, जो वर्ड्स हैं, वो किसके साथ और कैसे यूज करते हैं. लेट्स स्टार्ट इट. विच, विच इज़ यूज फॉर थिंग्स, ग्रुप ऑफ पर्सन्स. जब लोगों के ग्रुप की बात हो रही होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल, फैमिली, क्राउड, तो उसके लिए विच यूज़ करते हैं हम. थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूट फॉर इट. और जहाँ पर इट हो और उसकी जगह हमने कुछ और वर्ड लगाना हो, देन वी कैन रिप्लेस इट विद विच. फिर हम विच के साथ उसको रिप्लेस कर सकते हैं. नाउ कम टू दैट. That is used after superlatives. जितने भी superlatives degree हैं उसके बाद हम that लगाते हैं. Superlatives degrees होती हैं, for example, best, whatever. और all के बाद हम that लगाते हैं, much के बाद that लगाते हैं, after little, everything, none.
जहाँ पर ये वर्ड्स आएंगे सुपरलेटिव डिग्री ऑल मच लिटल एवरीथिंग नन, उसके बाद बेटे हम दैट का यूज़ करते हैं. और दैट हम कहाँ लगाते हैं? मे बी यूज टू पर्सन्स और थिंग्स, कि समटाइम्स वी कैन यूज़ इट विद पर्सन और थिंग्स, हम चीज़ों और लोगों के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं. हु हूज होम, दीज सुपरलेटिव प्रोनाउंस आर यूज फॉर पर्सन. ये तीनों सुपरलेटिव प्रोनाउन सिर्फ पर्सन्स के साथ ही यूज होते हैं. लेट्स कम टू द एक्सरसाइजेज़.